Hey, hello everyone. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Welcome to this wonderful platform, ShiftLearn, as you all know. And it's India's most learning, sincere learning destination for classes 1 to 10. I am your engineer, Aman Khan, sir. And you know, what's so special about this class? बेटा शिफ्टलर्न पे आए हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ स्पेशल ही मिलेगा, isn't it? Yes, as you can see on your screen that we at ShiftLearn provide 100% live and interactive classes. बेटा इंटरेक्शन होगा क्लासेस का, मजा आ जाएगा एक बार में पढ़ के आपको, है ना? टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट भी, isn't it? तो बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लासेस है, मजा आ जाएगा एक बार में, कंसेप्ट बढ़िया समझ में आ जाएगा विद पर्सनलाइज अटेंशन बैच जिसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6, ताकि हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से हम ध्यान दे पाए. A dedicated academy mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we also cover the school syllabus as per the school exam schedule and also handle custom request. Okay, so these are some of the key features we provided with the GPR or the detailed progress report, so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of free tests, also known as the ShiftLearn Academic Test Series or the SATs. And we also provide you with a subjective test for school examination. So, aaj beta padhne wale hain force ke bare mein. Aur before beginning with this session, I would like to make a very humble request to please subscribe our channel. Press the ting bell icon so that you will never miss any update when we will upload any new video. Okay. So, aaj ka chapter beta bahut interesting hone wala hai. Aur aaj kuch ghanton mein mera birthday start hone wala hai. Okay. That is the 12th of August. Yeah, birthday mera. So, birthday hai aaj. Hai na? Actually, start ho chuka hai. Aur force pad rahe hain. मजा आएगा बिल्कुल एकदम पूरे अच्छे से जोर शोर से पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फोर्स. आपने बेटा देखा होगा कभी आप साइकिल लेके निकल लेते हैं घूमने के लिए, कभी आप फुटबॉल खेलते हैं, है ना, कभी ट्रेन में आप बैठे होते हैं एकदम आपने देखा होगा सडनली ट्रेन के ब्रेक्स लग जाते हैं, या फिर कभी आप बुलेट ट्रेन वगैरह या फिर कभी आप मेट्रो वगैरह में बैठे हो एकदम आप ब्रेक्स लग जाए, तो कभी आपने सोचा है कि ये किस तरीके से ऐसे पॉसिबल होता है ना? किस तरीके से आप साइकिल चला रहे हैं एकदम आपने ब्रेक लगा दी एकदम रुक गई चीज, स्केटिंग कर रहे हैं आप एकदम एक टी टाइप की एक पोजीशन होती है स्केटिंग में जिसके थ्रू ब्रेक्स लगा सकते हैं टी बना लेते हैं, तो एकदम लोग जो स्केटर्स होते हैं टी बना लेते हैं और एकदम एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम वो एकदम रुक जाते हैं. तो कभी आपने सोचा है किस तरीके से जो है चीजें होती हैं, है ना, किसी भी चीज को मोड़ देते हैं क्ले वगैरह के, आपने बेटा बहुत अच्छे से आपने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे क्ले, बड़ा मजा आता है क्ले से खेलने में, है ना, जैसा मोल्ड करें वैसा मोल्ड हो जाती है ना. फुटबॉल में किक मारी फुटबॉल एकदम चलती रही चलते फिर खुद ही कुछ टाइम बाद रुक गई फुटबॉल, इज़न्ट इट सेम. टेनिस बॉल क्रिकेट वगैरह हम सब खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ आप भी खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में शॉट मारा क्या हुआ, फील्डर ने क्या किया पकड़ नहीं पाया बॉल को, लेकिन बॉल रोल होते 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 एक पर्टिकुलर टाइम बस रुक जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है, इज़न्ट इट? ये सारी चीजें जो है बेटा फोर्स से रिलेटेड है. इस सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं, फोर्स, फिर वर्क पे आएंगे, फिर एनर्जी पे आएंगे. ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ पुश एंड पुल. मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बेटा ये पुश एंड पुल क्या है. सर ये बहुत सुना है पुश एंड पुल, ये आखिरकार होता क्या है, तो मैं बताऊंगा आपको इस क्लास में व्हाट इज फोर्स, है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स, इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे. तो कभी कभार आपने देखा होगा संडे वगैरह को मम्मा हमसे बोलती हैं बेटा बहुत कमरा गंदा हो रहा है अब तो थोड़ा सा साफ कर दो, जरा बकेट वकेट उठा लो, जरा बॉक्स वॉक्स उठा लो, ऐसा बॉक्स जिसमें आपके सारे के सारी बुक्स वगैरह होती हैं कॉपीज वगैरह होती हैं ना मूव करते हैं. कभी कभार शिफ्टिंग वगैरह होती है तो आपकी मम्मा बिल्कुल आपसे बोलती होंगी बेटा थोड़ा सा शिफ्टिंग में हाथ बटाओ, थोड़ा सा ये चीज उठा के कार्टन उठा के वहां रख दो, है ना, ऐसा होता है ना. तो हम आसानी से मूव कर देते हैं, क्या आप मूव कर पाते हैं कि नहीं किसी बॉक्स को आसानी से, छोटे बॉक्स मूव कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े बॉक्स होते हैं भाई ऑब्वियसली बात है जिसमें अगर बहुत हैवी एटम रखे हैं तो उनको मूव करने में बहुत परेशानी आती है कि नहीं आती, बिल्कुल आती होगी, तो जरा कमेंट में जरूर बताइए परेशानी आती है कि नहीं. और कभी आपने देखा है डोर वगैरह किस तरह कैसे खोलते हैं हम, यस बिल्कुल एकदम जैसे आप स्कूल से आते हैं बिल्कुल एकदम मतलब आते थे, आई मीन टू से 2 साल पहले तक,
तो जैसे ही स्कूल से आते थे ऐसा लगता था अरे वाह अब तो कुछ नहीं, सीधे एकदम बैग एक साइड में रखा और बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्म में उतारी सो गए ना, बिल्कुल एकदम दौड़ के आए, एकदम खट से एकदम ग्राउंड नॉक खोला, अंदर सो गए आके बिल्कुल कमरे में, कुछ नहीं किया सिर्फ सो गए। तो किस तरीके से आप जो है डोर के नॉब को खोल पाते थे, डोर को पुश करके आप धक्का दे पाते थे? ये तो फिर भी एक छोटा सा अच्छा सा आपको गेट दिख रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जो बड़े बड़े गेट्स होते हैं मेटल के बने होते हैं, आप एक चीज करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं अपने साइड से और वो जो मेटल का गेट है पूरा का पूरा क्या होता है, ओपन हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये जो चीज है कैसे होती है? या फिर एक और एग्जाम्पल, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बेटा, हर क्लास में अपनी एग्जाम्पल जरूर देता हूं कि बच्चों का शौक होता है अरे नहीं आईपैड चाहिए आईपैड, नहीं नहीं टैब चाहिए टैब, टैब में हम बड़े ऐसे टैब में हम तो गेम खेलेंगे, मम्मी मुझे टैब लेके दो, डैडी मुझे टैब लेके दीजिए, इजंट इट? तो सब टैब लेने गए, कहाँ पे, एप्पल या फिर सैमसंग के शोरूम पे। हाँ टैब लेने गए, जैसे ही हमने गए सैमसंग के शोरूम पे तो हमने कांच जो है शोरूम ऑब्वियसली बात है बिल्कुल ग्लास का बना होता है, बिल्कुल एकदम एक्साइटेड में ग्लास ग्लास को खोला और अंदर जो है जाके देखने लगे कौन सा टैब अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज पे ध्यान नहीं दिया टैब के चक्कर में कि जो ग्लास आपने खोला था डोर, उस डोर पे स्टिकर्स लगे थे और उस डोर पे स्टिकर्स जो लगे थे उन पे क्या लिखा था बेटा, मैं बताता हूं आपको उन पे क्या लिखा था। उन पे दो चीजें लिखी थी, सॉरी, इस टाइप के स्टिकर्स होते होंगे ये, है ना, क्यों ना इस पे थोड़ा सा कलर जो है इस टाइप के स्टिकर्स ये, इजंट इट? बिल्कुल साहब, इस टाइप के स्टिकर्स होते हैं और थोड़ा सा मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, इस पे आपने देखा होगा पुश, है ना, और दूसरे साइड से क्या लिखा रहता है, दूसरे साइड से, बट इसी पर लिख रहा हूं मैं, दूसरे साइड से लिखा रहता है पुल। तो ये दो चीजें आपने देखी होंगी लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्यों, क्योंकि हमें टैब खरीदना है बिल्कुल चल के, इसमें गेम इंस्टॉल करने हैं और बिल्कुल एकदम अपने मल्टीप्लेयर गेमिंग करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो दो चीजें लिखी रहती हैं गेट के जो डोर होता है डोर नॉब के पास या फिर जो हैंडल होता है डोर का वहां पे। तो कभी आपने देखा है ये पुश और पुल ही क्यों लिखा रह सकता है ना? और चीजें कोई क्यों नहीं लिखी रहती हैं, सिर्फ पुश और पुल क्यों लिखा रहता है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप डोर को या तो पुश करेंगे या धक्का देंगे या फिर इसको खींचेंगे पुल करेंगे, इज़न्ट इट? जैसे कि आपने ट्रेन को देखा होगा, ट्रेन जो होती है अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे तो ट्रेन का जो इंजन होता है जो बॉगीज होती है उसको क्या करता है, ऑब्वियसली बात है पुल ही तो करता है। तो यहाँ पे सर एक बात समझ में आई कि किसी भी चीज को हम या तो पुश करते हैं या फिर हम पुल करते हैं, इजंट इट? ये देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये आपके लिए। पुश इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, है ना। या फिर ये देखिए बिल्कुल, ये छोटा बच्चा है पेंट करने जा रहा है, बड़ा शौक रहता है, आज मैं अपनी अलमेरा को आज अपने घर की वॉल पे मैं पेंट करूंगा, तो सारे पेंट्स वेंट्स रखे बकेट में दौड़ता हुआ जा रहा है, ये क्या कर रहा है पुश करता हुआ ले जा रहा है इसको। जैसे कि आप जो है असेंबली वगैरह में जब खड़े होते हैं, इजेंट इट, आपसे बोला जाता है कि बेटा लाइन बना के जाना, लेकिन आप वो कभी फॉलो नहीं करते, इजेंट इट? आप क्या करते हैं पुश करते हैं, तो पीछे से आगे वाला क्या बोलता है, हे प्लीज डोंट पुश मी, इजेंट इट? डोंट पुश मी, बोलता है कि नहीं? बिल्कुल बोलता होगा, है ना। तो पुश का मतलब क्या हुआ, आगे की तरफ एकदम धक्का देना, पुल का मतलब क्या हुआ, ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचना, जैसे कि ट्रेन जो होता है ना ट्रेन का इंजन जो है पुल करता है। सिमिलियरली ये जो आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे क्या पुशिंग चल रही है, तो पुश इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स टू इट, है ना, धक्का देना। आपको याद रहेगा स्कूल असेंबली में आप लोग एक दूसरे को पुश करते हैं और आगे आगे वाला बोलता है प्लीज डोंट पुश मी, है ना, बेटा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। पुल इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स वन सेल्फ बाय अप्लाइंग फोर्स टू इट, है ना। ये देखिए आपने ये गेम भी खेला होगा, इस गेम का नाम क्या है जरा मुझे ये बता दीजिए आप, बिल्कुल इस गेम का नाम क्या है या इसका नाम मुझे बता दीजिए। हाँ, और पुल किस तरीके से करते हैं, पुल हम इस तरीके से करते हैं कि कभी कोई आपका फ्रेंड है, इजंट इट, और
कभी खेलते खेलते क्या हुआ कि अरे यार वो जो है थोड़ा सा स्लिप हो गया, ग्राउंड पे गिर गया, है ना। कभी खेलते खेलते तो आप क्या करते हैं, आप उसको पकड़ के नीचे, वो थोड़ा गिर गया तो उसकी हेल्प करते हैं, नीचे से पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचते हैं ना, पुल करते हैं ताकि वो पूरा का पूरा उड़ जाए, उसकी बॉडी बॉडी जो ग्राउंड पे है वो पूरी स्टैंड हो जाए अपराइट कंडीशन में ना। तो पुल करते हैं आप किसी भी चीज को, या फिर आपने गेट वगैरह को भी देखा होगा, अपनी तरफ आप खींचते हैं, और किस चीज को आप पुल करते हैं जल्दी बताइए। ट्रेन का एग्जाम्पल हमने दे दिया है ना, ट्रेन वगैरह। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने एक जो है टेक्निक आप अभी निकाली थी, पीछे काफी वीडियोस वगैरह चले थे, अपने दांतों से बांध के वो पूरे के पूरे ट्रक को पुल कर रहे थे। कैन यू इमेजिन, यस, दांतों से ट्रक को रोप बंधी थी और वो पुल करे जा रहे थे। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस टास्क, बट आई डोंट एवर ट्राई दिस एट होम। बस आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज हुई, ये पुल हुई, कोई चीज को आप अपनी तरीके से खींच रहे हैं, अपने पास खींच रहे हैं, तो वो क्या हुआ, पुल हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि फोर्स यहाँ पे आया कि भाई किस तरीके से हम चीजों को या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फोर्स। सो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस और इट टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट थिंग इज नोन एज फोर्स। हाँ बेटा ये वही है फोर्स, जैसे कि अभी तो टच कर रहे हैं, वैसे कभी अपने मैग्नेटो को देखा होगा एक्समैन में, यो करके ऐसे कर देते थे वो एकदम, कौन सा मैग्नेटिक फोर्स ना, पढ़ेंगे वो भी, पढ़ेंगे मैग्नेटो साहब भी आएंगे एक थोड़ा, लेकिन शुरू में मैंने आपको बता दिया मैग्नेटो साहब के बारे में। तो यहां से समझ में आ गया, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, किसी चीज से हम फोर्स लगाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, इजंट इट, ताकि उसमें कुछ मूवमेंट हो पाए, दैट थिंग इज नोन एज फोर्स। और फोर्स थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे ना बेटा, तो आप पढ़ेंगे कि फोर्स की जो यूनिट होती है मेजर करते हैं न्यूटन में, शॉर्ट फॉर्म में एन लिखते हैं, एन न्यूटन, कितने न्यूटन, क्योंकि जो न्यूटन साहब थे ग्रेविटेशनल पुल, मतलब एक तरीके से ग्रेविटी की जो डिस्कवरी थी न्यूटन साहब ने करी थी, तो उनके ऑनर में हमने फोर्स की यूनिट भी न्यूटन रखी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, एक तरीके फोर्स ही होता है, जो ग्रेविटेशन होता है ना, जो फोर्स लगता है, जिस तरीके से हम वॉक कर पाते हैं, एप्पल जो ऊपर से गिर के नीचे गिरता है टूट के, इसलिए सारी के सारी चीजें आप ऊपर आसमान में उठाए नीचे गिरती हैं, तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। इसी वजह से ये जो है फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन जो है रखी है, आफ्टर द ऑनर ऑफ द ग्रेट 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 साइंटिस्ट आइसेक न्यूटन। और आपको मालूम है आइसेक न्यूटन साहब के फादर का नाम भी आइसेक न्यूटन था। जी बिल्कुल, आइसेक न्यूटन साहब के फादर के नाम भी आइसेक न्यूटन था, और बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में आइसेक न्यूटन साहब ने अपनी स्टडीज को पूरा किया था, बिकॉज फादर और मदर दोनों ही उनके साथ नहीं थे एक्चुअली। पूरी एक कहानी है, मैं आपको और तसल्ली से बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो किया अपने दम पे किया न्यूटन साहब ने। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे फोर्स की चीजें क्या, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट, इजंट इट। जैसे कि अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं इसका, तो क्योंकि ये बहुत ही आसान सा एग्जांपल है, ऑब्वियस ये बात है, कोई चीज अगर रखी हुई है, अगर फुटबॉल में आप किक मारेंगे तो रेस्ट में है, आपने क्या एक फोर्स लगाया तो ये मूवमेंट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई कार वगैरह आपने रोड्स वगैरह पर आसानी से देखा होगा, कार वगैरह क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाती है ना, कभी कभार इंजन वगैरह काम नहीं करता, ब्रेक डाउन हो गई भाई कार, तो क्या होता है, आसपास के लोगों से हम हेल्प मांगते हैं कि प्लीज हमारी जो कार है जो ब्रेक डाउन हो गई है, इंजन इसका फेल हो गया है, ये रेस्ट पे आ गई है, इसको प्लीज थोड़ा सा पुश कर दीजिए, धक्का मार दीजिए। तो वो लोगों के फोर्स के वजह से ये जो हमारी कार थी इजंट इट, वो रेस्ट की पोजीशन से किस पोजीशन में आ जाती है, या मूवमेंट होने लगता है उसमें, इजंट होने लगता है ना, मजा आता है ना, मूवमेंट होने लगता है। तो यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट, इजंट इट। और बेटा ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, फोर्स कैन स्टॉप अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ
फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये वाला एग्जाम्पल बेटा बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, हैंकॉक या फिर सुपरमैन, अरे भाई ट्रेन के सामने आ गए, भड़ाक से एकदम ट्रेन रुक गई, है ना। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पे सुपरमैन जो है एक फोर्स लगा रहा है ट्रेन पे, ट्रेन जो है मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 160 km/h, और सुपरमैन साहब एकदम खड़े हो गए, क्योंकि उनका मूड है कि आज मुझे इस ट्रेन को रोकना है, मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। तो वो बीच में खड़े हो गए ट्रेन के आगे प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो क्या हुआ, एकदम ट्रेन जो है मूविंग जो थी एकदम हॉल्ट पे आ जाएगी, इजंट इट, स्टैग्नेशन हो जाएगा ट्रेन का, एकदम रुक जाएगी। या फिर सुपरमैन साहब का जब मूड हुआ तो एक हाथ से ट्रेन को पकड़ेंगे, थोड़ा सा धक्का मारेंगे उसको, तो ट्रेन बिल्कुल एकदम 160 km/h पे क्या 200 km/h पे चलने लगेगी, है ना। तो यहां से आपने देखा होगा कि फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये बाइसाइकिल पे है ना, फोर्स ला रहे हैं, स्केटबोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप फोर्स लगा रहे हैं ना, पहले तो आप रेस्ट पे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या एक स्पीड आप गेन कर रहे हैं, और एकदम जैसे आपको स्केटबोर्ड रोकना है तो आपने फोर्स लगाया, तो मूविंग करते हुए कोई ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। जैसे कि आप साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आपने मार्बल्स देखे, कंचे कहते हैं हिंदी में, कंचे छोटे छोटे मार्बल्स, है ना, लोग बच्चे बच्चे खेलते हैं ऐसे करके मार्बल्स से, या कंचे ग्रीन ग्रीन कलर के, यस मिनरल्स होते हैं बेटा इसमें, कंचे मिनरल्स होते हैं, या कमेंट करके बता दिए कौन सा मिनरल होता है उसमें। तो ये भी बच्चे खेलते हैं बहुत सारे, है ना, तो ये भी छोटे 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 मार्बल्स होते हैं कि एक टाइम पे चलने के बाद, रोल होने के बाद, ये भी अपने पोजीशन पे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो ये सब किस चीज की वजह से होता है बेटा, ये सब फोर्स की वजह से होता है, इजंट इट, यस बिल्कुल फोर्स की वजह से होता है, और किस चीज की वजह से होगा। तो आई होप कि ये चीजें थोड़ी सी आप समझ रहे हैं, है ना। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली बात है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलनी हो तो फोर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब साइकिलिंग वगैरह करते हैं, साइकिलिंग वगैरह जब आप करते हैं, तो जब आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं तो ठीक है, जैसे ही टर्न आया तो एक क्या करते हैं आप, जिस साइड पर टर्न होता है आप थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं ना, जब टर्न होते हैं तो आप थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। तो जब आप बेंड होते हैं तो क्या हुआ, आपकी साइकिल भी आपके साथ जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है बेंड हो गई, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न हो गई, तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, फोर्स लगाया। ऐसे कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो सेंटर की तरफ लगे, बिल्कुल सेंटर की तरफ लगे वो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर के दूर लगे, है ना, सेंटर से दूर लगे उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे आपने अपना फोर्स यूज करके क्या किया, साइकिल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, सीधे जा रही थी लेकिन टर्न हो गया, लेफ्ट टर्न होना है तो लेफ्ट, आपने फोर्स लगाया तो लेफ्ट टर्न हो गया, इजंट इट। उसी तरीके से ये फुटबॉल या फिर आप क्रिकेट वगैरह आप देखना होगा, आपने देखा होगा, है ना, कि डाइव वगैरह मार के बिल्कुल एकदम बॉल आ रही है, बाउंड्री पर जाने वाली है, डाइव मार के बिल्कुल एकदम यो गए, बिल्कुल घिसटते हुए बॉल को यो मारा, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, वाह क्या बात है। तो इसी तरीके से ये सब बेटा फोर्स के कारनामे हैं। नाउ अब आपको पता चल रहा है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, यस बिल्कुल, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, मजा आ रहा है, मजा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, वन सर की क्लास है शिफलन पे, तो मजा तो आना बिल्कुल लाजमी है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं बेटा, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, यस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है मैंने एक्चुअली, इलास्टिक फोर्स। तो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग फोर्सेस के बारे में बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, कि मजा आ जाए, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना, ये डिफरेंट टाइप्स की फोर्स हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं कि भाई ये मस्कुलर फोर्स क्या होता है ना। मस्क्यूलर फोर्स, ऑब्वियसली बात है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स। आपको मैंने बोन्स एंड मसल्स भी एक सेशन लिया था यूट्यूब पे, बेटा जल्दी जाके देखिए, नहीं देखा हो तो। मसल्स वगैरह होते हैं ना, बोन स्केलेटन होता है, उसके ऊपर क्या मसल्स वगैरह होते हैं ताकि स्ट्रेंथ मिल पाए बॉडी को। तो ये जो मसल्स हमारे हाथ के होते हैं ना,
इनकी वजह से जो भी फोर्स लगेगा, मतलब जो ह्यूमन के हैंड से लगेगा, ह्यूमन के मसल से लगेगा, दैट इज नोन एज दी मस्कुलर फोर्स। मतलब अगर पानी की बाल्टी आपने उठा ली एक हाथ से बेटा और पेड़ों में पानी डाल दिया, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, तो ये मतलब आप बोलेंगे मस्कुलर फोर्स लगाया है आपने, बिल्कुल। और ये मस्कुलर फोर्स सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को कहाँ मिलता है, जिम वगैरह में, क्योंकि क्या करते हैं, डंबल्स उठा रहे हैं 20 kg, ओहो, चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, ओहो, हेविंग कर रहे हैं, इजंट इट। सारे के सारे काम किस चीज से कर रहे हैं, अपने हाथों से तो कर रहे हैं ना। जो भी काम आप अपने मसल्स के थ्रू करेंगे, आपके मसल्स इन्वॉल्व होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के, जो मसल्स फाइबर्स वगैरह होते हैं ना, मैंने बताया था आपको, टिश्यूज वगैरह बाइंड होते हैं। मसल्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपने कॉपर का कोई वायर देखा होगा, उसके अंदर छोटे 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 कॉपर के वायर्स निकलते हैं, उसी तरीके से हमारे मसल्स होते हैं बेटा, एक बंडल होता है मसल्स का, टिश्यूज का, इजंट इट, एकदम बाइंड होते हैं वो सारे के सारे मसल्स। तो अगर आप मसल्स अपने ह्यूमन बॉडी के यूज करके कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दैट इज दैट दैट मीन्स दैट यू आर यूजिंग द मस्कुलर फोर्स। मतलब अगर आप थंब फाइट भी खेल रहे हैं ना बेटा, वो बच्चे खेलते हैं ना थंब फाइट, किसका थंब कौन दबा दे ऐसे ऐसे करके, एट दैट टाइम ऑल्सो यू आर यूजिंग योर मस्कुलर फोर्स। यस, आपकी बॉडी जो एग्जर्ट कर रही है, क्योंकि मसल्स क्या है, थंब के भी मसल्स हैं, इजंट इट। तो ये क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स बिल्कुल एग्जर्ट कर रहे हैं आप। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज, कोई भी एक्टिविटी आप करें, वहां पे आपके मसल्स इन्वॉल्व हो ह्यूमन बॉडी के, दैट इज नोन एज दी मस्कुलर फोर्स, ह्यूमन मसल्स। या जैसा कि एग्जांपल ये है, देखिए, टेक अ स्टोन इन योर हैंड एंड लिफ्ट एज मच एज यू कैन, नाउ लीव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक सेकंड, ये शायद, या ये पोटेंशियल में आ गए हम। या तो अब साहब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया था, आइज़ैक न्यूटन, फादर ऑफ ऑल द साइंटिस्ट, फादर ऑफ द फिजिक्स कह सकते हैं आप। आइज़ैक न्यूटन साहब ने क्या किया था, आइज़ैक न्यूटन साहब जो थे, एक बार बैठे थे पेड़ के नीचे बढ़िया आराम से, इजंट इट, खाली बैठे थे, तो क्या हुआ, एकदम सोचते सोचते क्या हुआ, उनके आंखों के सामने एक ट्री से बेटा एप्पल टूट के गिरा। अब ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है हम जैसे लोगों के लिए ना, नॉर्मल बात, अरे एप्पल है तो क्या हुआ, लेकिन ही वॉज आइज़ैक न्यूटन, उनको हर चीज में बेटा कुछ कुछ नया दिखता था, इसी वजह से आज हम सब उनके बारे में बात करते हैं, उनको पढ़ते हैं, इज़न्ट इट। तब उनके सामने गिरा, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है, सारी की सारी चीजें नीचे गिर के क्यों आती, ऊपर क्यों नहीं गिरती। जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि भाई ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज होती है और उसकी वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस पे, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 meters per second square, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं 10 meters per second square अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ऑन अर्थ, मून पे थोड़ी सी और कम हो जाएगी, यस बिल्कुल, मून पे कम होगी, अर्थ के सरफेस पे 10 meters per second square एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हैं, अभी आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू ये होती है। हाँ, और अगर ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, तो क्या होता, सारे के सारे जो प्लैनेट सोलर सिस्टम में जो हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे से टकरा जाते, जो स्टार्स आप देख रहे हैं अपनी पोजिशन पे हैं, वो स्टार्स वहां नहीं रहते, टूट के अर्थ के सरफेस पे आ जाते बेटा, ग्रेविटेशन पुल नहीं होता। तो आपने कभी एक बार देखा होगा मूवीज वगैरह, इंटरस्टेलर, बेटा बहुत जबरदस्त मूवी है, देखिएगा बेटा, हॉलीवुड की इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, ये सब जो मूवीज हैं, आपने देखा होगा स्पेस शटल में जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं तो क्या फ्लोट करने लगते हैं, जैसे कि पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं ना, उसी तरीके से, क्योंकि वो ग्रेविटी जीरो हो जाती है वहां पे। अब आपको समझ में आ रहा है, जीरो ग्रेविटी हो जाती है स्पेस में बेटा जाके, इसलिए वो हवा में उड़ने लगते हैं। अब इमेजिन करिए अगर अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी नहीं होती, तो सारी की सारी चीजें कैसे हवा में उड़ने लगती, इवन वी कैनॉट ड्रिंक वाटर, यस, पानी नहीं पी सकते थे आप, क्योंकि पानी भी हवा में उड़ता, आपने ग्लास में पानी डाला तो ग्लास तो उड़ ही रहा है हवा में, पानी भी हवा में उड़ रहा है, इजंट इट, तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जब एस्ट्रोनॉट्स पानी वगैरह पीते हैं तो एक पाइप होता है, इजंट इट, वो
पाइप के थ्रू पानी पीते हैं ताकि जो है पानी उड़ के यहाँ वहां स्पेस में नहीं फ्लोट करता रहे, isn't it? तो अब आपको समझ में आया ये ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है कि थैंक्स टू गॉड, बिल्कुल कहिए आप कि हमने अर्थ प्लैनेट पे जो है बर्थ लिया है और उसमें ग्रेविटी जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कि ग्रेविटी की वजह से सारे के सारी चीजें जो है चिपकी रहती हैं, isn't it, अर्थ के सरफेस से नहीं होगी तो बिल्कुल एकदम हवा में उड़ने लगेंगे सब, है ना। सो इट इज अ फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सारी की सारी चीजों को दोस्त बना लेता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, बोलता है आप सब मेरे दोस्त हो, जितने भी चीजें हैं अर्थ के सरफेस पे सारी की सारी चीजें जो है मेरी फ्रेंड्स हैं, तो सब कुछ मेरे पास रहो। सिंपल सी बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छा फोर्स है ना, आइज़ैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था ये। ओके, नाउ हैव यू एवर प्लेड विद मैग्नेट्स? अरे साहब मैग्नेट से हमने खेला बिल्कुल है, आपने देखा होगा एक ऐसे करके रैटल स्नेक की मैग्नेट्स आती है, एक्चुअली मेरे पास भी है, ऐसे हवा में उछाली चिर करके आवाज आती है ना, या फिर आपने मैग्नीटो को तो देखा होगा जो एक्स मैन में है, इज़न्ट इट ग्रेट कैरेक्टर है मैग्नेटो, क्यों करता है एकदम, और बड़े से बड़े आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, मेटल का होना चाहिए वो, या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है टेढ़ा कर देता है बिल्कुल एकदम, है ना। तो वो कौन सा फोर्स लगाता है? इनविजिबल फोर्स होता है ये तो मैं मालूम है मैग्नेटो को देख के, लेकिन वो फोर्स होता कौन सा है? इट इज ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किन किन ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, मैग्नेट्स जो होती हैं किन किन चीजों को जो है अट्रैक्ट करती हैं, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जी हमें बताएंगी, कि क्योंकि हम भूल जाएंगे ना कौन कौन से मेटल्स हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जी की शादी किससे हुई है? प्रियंका चोपड़ा जी की जो शादी हुई है वो हुई है निक जोनास से, NIC निक जोनास। तो निक मतलब हो गया निकल, आयरन एंड कोबाल्ट, isn't it, निकल आयरन एंड कोबाल्ट। तो प्रियंका चोपड़ा जी की शादी हुई है निक जोनास से, और निक जोनास मतलब निक, NIC मतलब निकल आयरन कोबाल्ट, तो मतलब निक जो होगा निकल आयरन कोबाल्ट यही जो मेटल्स होंगे वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी। तो प्रियंका चोपड़ा जी ने हमको बता दिया कि मेटल्स जो हमारी मैग्नेट होती है किन किन मेटल्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। ओके, ये होती है बेटा मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, पढ़ेंगे सब डिटेल में आराम से। तो मैग्नेट्स एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद देम। आपने देखा होगा ये जो कुछ मटेरियल्स मैंने बताए थे, निक जोनास है ना, प्रियंका चोपड़ा जी के हस्बैंड निक जोनास, NIC निकल आयरन कोबाल्ट, जो होती है मैग्नेट्स से अट्रैक्ट हो जाती है। या फिर मैग्नेटो का एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, लाइक जो पोल्स होते हैं, अगर आप साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगी मैग्नेट, ये बेटा रिपेल करने की कोशिश करेगी, है ना, अरे अरे नहीं दूर जाओ, क्योंकि इनमें क्या दोस्ती नहीं हो पाती, ये बोलते नहीं या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, या तो तुम रहोगे बेटा नॉर्थ या तो हम रहेंगे, दोनों सेम नॉर्थ ऑफ नहीं हो सकते। और अगर नॉर्थ और साउथ आ गए तो बोलते हैं चलो ठीक है हम अपोजिट हैं तो दोस्ती कर लेते हैं। तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर विदाउट टचिंग के मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एकदम जादू। आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, एक्चुअली मैंने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने सोचा था कि यार मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स जो होती है हमें दिखती नहीं है क्योंकि विजिबल लाइट है, तो एक काम करते हैं इस पे अल्ट्रा वायलेट लाइट डाल के देखते हैं। तो मैंने एक मैग्नेट ली और दो मैग्नेट्स के बीच में ऐसे करके मैंने डिस्टेंस रखा और मैंने अल्ट्रा लाइट मारने की कोशिश करी इस पे, लेकिन कुछ नहीं देखा क्योंकि इतनी तब नॉलेज थी नहीं, आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो आप भी एक्सपेरिमेंट ऐसे करते रहिए, है ना, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल सही, नई नई चीजों की डिस्कवरीज होती हैं, मैसेंजर तो करते रहिए। तो आई होप कि मैग्नेटिक फोर्स जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होता है आप अपने अलमारी में फ्रिज पे जो चिपकाते हैं, दैट इज द मैग्नेट, और जिस चीज की वजह से आपकी मैग्नेट आपके अलमेरा पे आपके फ्रिज पे चिपकी है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। ओके ओके ओके, नाउ ये देखिए बेटा, टेक अ बॉल एंड रोल इट ऑन द सरफेस, वी विल ऑब्जर्व दैट द बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, व्हाई डज द बॉल स्टॉप्स, या फिर कभी कभार क्या होता है साइकिलिंग वगैरह बेटा मैं बहुत करता था अभी भी करता हूँ,
तो साइकिलिंग करते करते जब मैं थक जाता हूँ ना, तो मैं पेडलिंग करना छोड़ देता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मजा आ गया, पेडलिंग करना छोड़ दिया, मजा आ गया। धीमे धीमे साइकिल खुद चल रही है, लेकिन बुरा कब लगता है, साइकिल साइकिल खुद ही रुक जाती है। खुद ही क्यों रुक जाती है साइकिल? व्हाई व्हाई दिस थिंग हैपेंस ऑल द टाइम? कभी आपने सोचा है व्हाई? तो इसका जवाब सिंपल सा बेटा यही है कि कुछ ना कुछ चीज है जो टायर को रोक रही है। अगर मैंने ब्रेक को नहीं अप्लाई किया, फिर भी रुक रही है मेरी साइकिल या फिर मेरी बाइक। अब मैं बाइक चलाता हूँ, इजंट इट, या फिर कार। आप एक्सेलरेट करना छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली हॉल्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कार जो है पर्टिकुलर टाइम बाद बिल्कुल धीमे धीमे स्टॉप हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है एग्जर्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप ये इमेजिन करिए कि यहां पे एक इंसान है ना, ये देखिए साहब, इसकी आंखें बना देता हूं मैं रेड कलर से, और ये अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना बेटा, हमेशा आप याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट अपोजिट फ्रिक्शन जो होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। द फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस ईच अदर। सेम एग्जाम्पल बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, कभी कभार आप, अच्छा आप आइस वगैरह पे जो है स्केटिंग करके देखिए कितना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। आपके जो सोल है शू का और जो आइस का सरफेस है, बहुत एकदम स्लिपरी हो जाता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, चीजें जो होती है ग्रिप बन जाती है, एक है ना, एक ग्रिप बन जाती है, तभी तो आप फिसलते नहीं आपके सरफेस पे यहीं पे। लेकिन कोई आप देखिए साइबेरिया का रीजन जो है, रशिया का रीजन जो है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लो टेम्परेचर है, पूरी की पूरी जो सीज वगैरह होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, उस पे लोग जो है चलते हैं, चल नहीं पाते हैं, फनी वीडियोज आते हैं, गिर जाते हैं। तो क्यों होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स उसमें जो है नहीं लग पाता। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट। अगर दो चीजें आपस में रब कर रही हैं, आपने अपने हाथों को भी रब करके देखा होगा, जो हमें हीट का सेंसेशन फील होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। बिकॉज दो चीजें आपस में रब कर रही हैं, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा। अब आप समझ रहे हैं इस चीज को, इमेजिन करिए। हाँ बिल्कुल, कभी कभार क्या होता है कि अगर अपने हाथ वगैरह पे आप ऑयलिंग वगैरह ऑयल वगैरह लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, और अपने फ्रेंड से बोलिए बेटा मुझे पकड़ के दिखा, आप अपना हाथ आगे कर दीजिए, और आपका फ्रेंड है को पकड़ नहीं पाएगा, उसका हाथ जो है बार बार आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्यों स्लिप हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो चुका है। फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो क्या होगा, कोई चीज स्लिप हो जाएगी दूसरे सरफेस में, जब वो उसके अक्रॉस जाएगी, मूव करेगी। तो अब समझ में आ गया कि सर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, जब दो चीजें आपस में रब करती हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब जैसे कि ये जो है इस तरफ, ये क्या फोर्स लगा रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, ये खुद लगा रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स लगा रहे होंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगेगा बेटा? ये लगेगा इस साइड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये मूव नहीं कर पा रहे अच्छे से बॉक्स को। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, बिल्कुल एकदम ऐसे फूक देते, ऐसे करके फूकते और ये बॉक्स उड़ता हुआ जाता, इजंट इट। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स है तो क्या कर रहा है, बॉक्स भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है मूवमेंट को रोकने के लिए। बॉक्स बोलो नहीं मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। और थोड़ा सा आपको मैं मैग्निफिकेशन करके दिखाऊं सरफेसेस का क्या होता है, ये जो है अगर मैं मैग्निफाइड वे में लूं तो ऐसी होती हैं बेटा सरफेसेस। आप मान लीजिए ये जो है लैंड का सरफेस है, और ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, ये बॉक्स का सरफेस है ना, दिस इज द सरफेस ऑफ बॉक्स, ये
और ये रेड वाला जो है दिस इज द सरफेस ऑफ आर फ्लोर, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो ये इसको मैग्नीफाई करके हम देखें तो इस तरीके का सरफेस में आपको हिल्स एंड वैलीज दिखेंगी ना, हिल्स दिख रही है वैलीज। तो ये क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। ये जो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो है ब्लैक वाली जब रेड वाली में एकदम लॉक हो जाएगी तब क्या होगा, आसान से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। यही बेटा फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है ना, क्योंकि हर सरफेस में कुछ ना कुछ छोटे छोटे छोटे, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो क्या होगा, हर सरफेस में छोटे छोटे हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट होंगी जैसे मैंने बनाई है। तो क्या होगा, जब रब होती है दो चीजें आपस में तो इंटरलॉकिंग होने लगती है, और जैसी इंटरलॉकिंग होगी तो क्या होगा कि एक चीज दूसरी चीज को अपोज करेगी, एक चीज दूसरी चीज को अपोज करेगी, मूवमेंट नहीं होने देगी। यही चीज होती है, इसी वजह से हम चीजों को आसानी से मूव नहीं कर पाते, इसी वजह से हम रब करते हैं अपने हाथों को तो क्या होता है, हीट जो है सेंसेशन होता है। अब यहाँ पे इमेजिन करिए कि अगर इस बॉक्स के सरफेस के बीच में और लैंड के सरफेस के बीच में हमने ऑयलिंग वगैरह कर दी, ऑयल को डाल दिया। अब ऑयल को मैं किस चीज से दिखाऊं, या ब्लू कलर से दिखा देता हूं, चलिए ग्रीन से दिखा देता हूं। मतलब रेड वाला जो है हमारा लैंड का सरफेस है, और ब्लैक वाला जो है हमारा बॉक्स का सरफेस है, और ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, ऑयल है। तो जब ऑयलिंग कर दी तो ये हिल्स एंड वैलीज क्या होंगी, कवर अप हो जाएंगी। हिल्स एंड वैलीज जो है क्या होंगी, कवर अप हो जाएंगी। तो हिल्स एंड वैलीज जो है जब कवर अप हो जाएंगी तो क्या होगा, हिल्स एंड वैलीज के कवर अप होने से क्या होगा कि इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, इंटरलॉकिंग विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने एक लेयर को बीच में चढ़ा दिया है ना, ऑयल की लेयर जो है बीच में बिल्कुल एकदम इंटरफेस पे आ गई। तो हिल्स एंड वैलीज क्या होंगी, आपस में लॉक हो जाएंगी, इस वजह से क्या होगा, एकदम बिल्कुल फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाएगा। यही सरफेस, यही चीज होती है जब आप किसी आइस के सरफेस पे चलते हैं, जो आपकी फीट वगैरह सोल होता है वो, और जो आइस का सरफेस होता है बहुत स्लिपरी होता है, तो क्या होता है इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती हिल्स एंड वैलीज की, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहां पे काम नहीं करता। तो आई होप कि बहुत डिटेल में समझाया बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझ में आ गया, आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा, मजा आ गया बेटा। शिफ्लन पे आए ना मन सर की क्लास में तो बिल्कुल मजा आएगा। ओके ये देखिए, कार मूव्स विद द हेल्प ऑफ एन इंजन, व्हिच टाइप ऑफ फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द इंजन। अब देखिए जिस चीज में मैंने इंजीनियरिंग करी है बेटा, वही वाला फोर्स आई है जिस चीज में मैंने इंजीनियरिंग करी। यस इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल फोर्स। बेटा मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स क्या है, अलग अलग चीज है। मस्कुलर फोर्स मतलब क्या था भाई, हम बहुत ताकतवर हैं, हम शक्तिमान हैं, हम अपने हाथों से बकेट उठाएंगे पानी की, तो दैट इज दी मस्कुलर फोर्स, क्योंकि आपके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मैकेनिकल मतलब मशीन है ना, ये देखिए इसके नाम में ही लग रहा है, ये देखिए मैकेनिकल मतलब क्या होता है, मशीन, इजंट इट। तो मतलब मशीन के थ्रू कोई भी फोर्स लग रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत मीम्स वगैरह चल रहे हैं, और सबसे बढ़िया मीम जो है क्या कहते हैं, जेसीबी की खुदाई भाई, है ना, जेसीबी की खुदाई। तो जेसीबी की खुदाई जो है बिल्कुल आपने देखी होगी, तो एक मशीन है, जेसीबी इज अ टाइप ऑफ हैवी मशीन, और जब वो है डिग पिट वगैरह को डिग करती है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरीके से उठा के दूसरे तरीके से लग देती है, तो आपने जो उसका आर्म देखा होगा जेसीबी का, ह्यूमन हैंड से ही जैसा लगता है ना। मशीन जितनी भी हैं सारी हमने कॉपी किससे करी है भाई, ह्यूमन के मूवमेंट से तो करी है, जॉइंट्स वगैरह जो नेचुरली प्रेजेंट है ह्यूमन के बॉडी में, वैसे ही हमने मशीन्स में लगाए हैं कॉपी करके इस तरीके से, है ना। तो जेसीबी का जो आर्म होता है एक तरीके से आपको क्या नहीं लगता कि इंसान का जो हाथ है उस तरीके का आर्म लगता है ना, लेकिन वो मशीन है ना, मेटल वगैरह की जो बनी हुई है, वो उसका जो आर्म है मेटल का बना है, अलग अंदर जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स वगैरह जो है उसके अंदर।
तो जब जेसीबी किसी चीज को उठा रही है मशीन का फोर्स यूज करके, जेसीबी की खुदाई चल रही है बढ़िया मशीन का यूज करके, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अ मैकेनिकल फोर्स, इजंट इट? या फिर आपने क्रेन्स वगैरह देखी होंगी, हुक लगा है भाई, क्रेन वगैरह बड़ी बड़ी आती है ना, कार कार जो है किसी की क्या हुआ गड्ढे में गिर गई, या फिर कोई भी चीज जो है गड्ढे में गिर गई, कोई भी ऑब्जेक्ट गड्ढे में गिर गया, बहुत बड़ी चीज जो है आपने देखा होगा, ट्रक्स वगैरह जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है हाईवे में, तो क्या होता है क्रेन्स वगैरह बुलाई जाती है, हैवी मशीनरी, तो वहां पे फोर्स किसके थ्रू लग रहा है? फोर्स जो लग रहा है हमारा मशीन के थ्रू लग रहा है, दैट इज अ रीजन दैट दैट फोर्स इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि मैकेनिकल मतलब मशीन, जिसमें मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मशीन इट इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स। अब बेटा अच्छे से आपको याद आ जाएगा, जब भी मैकेनिकल फोर्स याद करना हो जेसीबी की खुदाई, और हाँ बेटा खड़े मत होइएगा जेसीबी की खुदाई देखने के लिए, यार डजंट साउंड्स गुड, बिल्कुल हाँ, वी आर वेल एजुकेटेड, ओके। अब यहाँ पे आपने बेटा ये गेम तो बहुत खेला होगा, हैव यू एवर प्लेड विद रबड़ बैंड, और ये जो है काफी बदमाशियां भी करी होंगी आपने रबड़ बैंड लेके और पेपर के छोटे छोटे क्लिप्स बना बना के, है ना, क्या करते हैं आप लोग उसको ऐसे बीच में फंसा के और एक दूसरे को मारना, है ना, ये काम आपने बिल्कुल किया होगा मुझे मालूम है ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लोगों के लग जाती है। तो यहाँ आप किस तरीके से जो है इस इलास्टिक को या फिर रबड़ बैंड कहते हैं इसको आप लोग खींचते हैं, फिर ये ओरिजिनल अपनी पोजिशन पर आ जाती है, तो आपको मालूम है इस वर्ड का मतलब क्या होता है इलास्टिक? आज मैं आपको बताता हूं, इलास्टिक का मतलब होता है जो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, जो चीज अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, दैट इज नोन एज इलास्टिक। मतलब इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं अगर आपने उनको उसकी पोजीशन से बिल्कुल भी डिस्टर्ब किया, दे विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि अगर हमने उनको डिफॉर्म किया तो अपनी पोजिशन दोबारा ले लेते हैं, तो मतलब जो फोर्स हुआ, जो रिस्पॉन्सिबल हुआ कि भाई दोबारा उस पोजिशन पे आ जाए, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द इलास्टिक फोर्स। जैसे कि रबड़ बैंड वगैरह, बलून, आप बलून को इन्फ्लेट करिए, है ना, या फिर स्ट्रेच करिए, छोड़ेंगे तो उसी पोजीशन में आ जाता है, तो बलून इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द इलास्टिक बॉडी, और जो फोर्स लगता है जो बलून अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वापस आ जाता है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ऑकर्स एज अ डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। अब जब इलास्टिक का मतलब समझा दिया तो प्लास्टिक का मतलब भी समझा देता हूँ। प्लास्टिक बेटा वाला प्लास्टिक नहीं है ये, अभी मैं थोड़ा सा आपको अलग बताऊंगा, जो ये प्लास्टिक पीवीज होता है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी पोजीशन जो है रीगेन नहीं कर पाते, मतलब आपने जैसा उनको मोल्ड किया वैसा मोल्ड हो गए, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं पाए, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज प्लास्टिक। ये वाला प्लास्टिक नहीं है, अभी मैं आपको, आप डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन अभी वाला प्लास्टिक आप दिमाग में मत लाइएगा जो हम यूज करते हैं जिससे मेरा पेन बना है, ये एक कंडीशन कह सकते हैं प्लास्टिक एक ऑब्जेक्ट की, और इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो जो कि रीगेन करें अपना पोजीशन, है ना। आपने डिफॉर्म किया इलास्टिक को, आपने रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, आपने बलून को स्ट्रेच किया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज द इलास्टिक ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स रिस्पॉन्सिबल for regaining its original position, that type of force is known as the elastic force. Okay. So, आज का session कैसे लगा? बिल्कुल लिख के बताइएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने push और pull पढ़ा, force पढ़ा, कितने type के force होते हैं ये पढ़ा, और क्या क्या effects force produce कर सकता है? बिल्कुल Hancock का example आपने देखा होगा और Superman का देखा होगा, क्या क्या effects produce कर सकते थे हम, तो ये चीजें सारी हमने डिटेल में पढ़ी, और हमने पुश और पुल का मतलब पढ़ा, फोर्स पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा, अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ओके, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? ट्रिक्स से पढ़ाता हूं, मजा आएगा बेटा, अभी और सेशन बचे हैं, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल पढ़ेंगे।
तो बिल्कुल आपसे मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स, डोंट टीज योर सिबलिंग्स, लव योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, बाय बाय।